सब लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई भी सब अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोगों ने 9th-10th की केमिस्ट्री अभी स्टार्ट कर रखी है, तो मैं आप लोगों को ना कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी बताऊंगी केमिस्ट्री की, जो आपको आगे हायर क्लासेस में काम आएगी। जैसे कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड किस तरह से बनते हैं, किसी का भी हम केमिकल फॉर्मूला किस तरह से बना सकते हैं, और ये सब चीजें आगे जाके जैसे आइसोटॉप आता है, आइसोबार होता है, एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहले हम लोग एकदम बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे केमिस्ट्री की, कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, आयंस किस तरह से बनते हैं, कैटायन, अनायन, ये सब चीजें। अगर आप लोगों को इनका मतलब ही नहीं पता होगा तो आप ऐसे हायर क्लासेस में आप लोगों को दिक्कत आएगी समझने में। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला टर्म है हमारा एटम। आप नॉर्मल यूज करते हो हाइड्रोजन एटम, कार्बन एटम, ये सब क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट या किसी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एटम। अब आप पूछोगे कि मैटर क्या होता है। मैटर मतलब कोई भी वो चीज जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसका कोई वॉल्यूम होता है, कोई भी वो चीज जिसका कोई स्पेस है, जैसे कोई ये मार्कर है, ये भी मतलब कोई मैटर हो गया, इसका कुछ स्पेस है, कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, ये कुछ मास होगा इसका, तो वो सब चीजें आएंगी हमारी मैटर में। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप कुछ भी ले सकते हो मैटर में, ठीक है, जिसका भी स्पेस है, कोई मास है, कुछ भी, तो उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो होता है हमारा एटम। जैसे आप लोग बोलते हो हाइड्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम, वो क्या है, सबसे छोटा पार्टिकल है ना, तो वो होता है हमारा एटम। अब नेक्स्ट टर्म आती है हमारी एलिमेंट। एलिमेंट तत्व, एलिमेंट क्या होता है, इट इज द सब्सटेंस दैट इज मेड ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। मतलब कोई भी वो सब्सटेंस जो एक टाइप के एटम से मिलके बना हुआ है, जैसे O2 ऑक्सीजन का ले लो आप, O2 खाली ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, तो वो हो गया हमारा हाइड्रोजन एटम हो गया। हाइड्रोजन एक एलिमेंट ही हो गया एक तरह से, वो खाली हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है। ऐसे आप कोई भी रैंडम ले सकते हो ना, जो खाली एक ही टाइप के एटम से मिलके बना हो, वो हो गया हमारा एलिमेंट। अब दूसरा देखो, मॉलिक्यूल क्या होता है, वेन वन और मोर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। जब एक से ज्यादा एटम कंबाइन करते हैं एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, जैसे H2N2। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम है, तो वो किसमें आएगा हमारा मॉलिक्यूल में, H2 मॉलिक्यूल बोलते हैं हम। और अगर खाली हाइड्रोजन होता तो वो किसमें आता हमारे एलिमेंट में। जब एक ही टाइप के एटम से बना है तो वो तो हो गया हमारा एलिमेंट। जब सेम टाइप के दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन है तो वो होता है हमारा मॉलिक्यूल, जैसे H2 हो गया, N2 हो गया। H2 में दो एटम्स है हाइड्रोजन के, N2 में दो एटम्स है नाइट्रोजन के, तो ये किसमें आएंगे हमारे मॉलिक्यूल में। ठीक है, आगे देखो कंपाउंड क्या होता है। इट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। अब देखो मॉलिक्यूल में तो हम लोगों ने क्या देखा था, जैसे H2 एग्जांपल था, H2 में ये एक हाइड्रोजन का एटम, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम, इन्होंने मिलके क्या बनाया H2। मतलब दोनों एटम्स है ना वो हाइड्रोजन के हैं, सेम एटम होने चाहिए। और कंपाउंड में क्या होता है, टू और मोर डिफरेंट अलग अलग टाइप के एटम्स। एग्जाम्पल देखो, जैसे वाटर यानी H2O, इसमें क्या है, एक तो ऑक्सीजन का एटम है और ये दो हाइड्रोजन के एटम है, इन सब ने मिलके क्या बनाया हमारा वाटर। मतलब हाइड्रोजन का एटम भी है, ऑक्सीजन का एटम भी है, दोनों अलग अलग है ना, तो टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो वो बनता है हमारा कंपाउंड। जैसे वाटर कंपाउंड हो गया, NH3 हो गया, उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है, तो वो हो गया हमारा कंपाउंड। ठीक है, अब एक टर्म्स आती है आप लोगों के आयंस। आप लोगों ने देखा होगा जैसे कहीं पे लिखा हुआ मिल जाता है आपको, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, Na पॉजिटिव, तो ये सब क्या होता है। आयंस ना हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो होता है कैटायन और एक होता है एनायन, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं खुद पे। जैसे ये Cl नेगेटिव है, एक हो गया जैसे Na पॉजिटिव, पॉजिटिव भी होता है हमारे, तो कैटायन होता है हमारा पॉजिटिव और एनायन होता है हमारा नेगेटिव। ये कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन करने से। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट कैरीज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अब देखो या तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या फिर ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, तो इन पे चार्ज आ जाता है। अब इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं ना अगर, तो पॉजिटिव चार्ज आता है, ये ध्यान रखना। Na ने सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करा तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, और नेगेटिव कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो हमारे कौन सा आता है, नेगेटिव चार्ज। इसको मैं डिटेल से समझाती हूँ आप लोगों को, एक बार बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। एटम क्या देखा हमने, किसी भी मैटर का, किसी भी चीज का जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, जिसका कुछ वॉल्यूम है, उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है हमारे, वो होता है एटम। एलिमेंट, एलिमेंट का एग्जांपल क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, एक ही टाइप का एटम है, वन टाइप ऑफ एटम से बना है, वो हो गया हमारा एलिमेंट। और मॉलिक्यूल मतलब सेम टाइप के एटम से बना है, जैसे H2 दो एटम्स है हाइड्रोजन के, जब एटम्स कंबाइन करते हैं वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, और सेम होने चाहिए दोनों, जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, ये हो गए हमारे मॉलिक्यूल। और कंपाउंड मतलब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट, ये चीज ध्यान रखना, पहले वाले में सेम थे, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे वाटर इसमें हाइड्रोजन का एटम भी है और ऑक्सीजन का भी है, जैसे NH3 NH3 हो सकता है, ठीक है। और आयंस दो तरह के होते हैं, एक केटायन और एक एनायन, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने पे बनते हैं वो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को गेन करने पे बनते हैं वो नेगेटिव। नेगेटिव होते हैं एनायन और पॉजिटिव होते हैं हमारे केटायन, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को आयंस के बारे में बताती हूँ डिटेल से ना। आयंस, आयंस दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है हमारा कैटायन और दूसरा होता है हमारा एनायन। कैटायन कौन सा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, और एनायन जिसपे नेगेटिव चार्ज हो। और आयंस कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन या फिर लूज करने से, जैसे सोडियम है, सोडियम ने अगर वन इलेक्ट्रॉन को लूज किया, सोडियम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या चार्ज आ गया उस पर, पॉजिटिव। तो आप ये चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन लूज करने पे पॉजिटिव चार्ज आता है हमेशा, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने पे नेगेटिव आता है, ठीक है। अब दूसरी साइड देखो, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन ने क्या किया, अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इस पर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव, ठीक है। इस तरह से होता है हमारे केमिस्ट्री में, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज कब आता है, नेगेटिव कब आता है। तो ये होते हैं हमारे कैटायंस, एनायंस, ये कैटायंस हो गया, ये हो गए हमारे अनायंस, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बेसिक एटम की स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि एटम किस तरह से होता है हमारे, एटम की स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है हमारे, न्यूक्लियस, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये इस तरह से ना शेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये ऐसे, ये बेसिक चीजें तो आप लोगों को पता होंगी। सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ये शेल्स में, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड ही चक्कर लगाते रहते हैं इस तरह से, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये जो ब्लू कलर से शो करा है मैंने, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो ये ना रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, चक्कर लगाते रहते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, ठीक है। मतलब एटम के ना तीन सब पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इधर सेंटर में न्यूक्लियस में ना, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, पी से पी ध्यान रखना, पी से प्रोटोन, पी से पॉजिटिव। न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन क्या सिमिलर साउंड कर रहा है, न्यूट्रल, तो इस पे कोई चार्ज नहीं होता, या लिख सकते जीरो चार्ज, ठीक है। तो हमारे तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, उस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, और जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स पे जीरो होता है ना, कोई चार्ज नहीं होता। इन दोनों को मिला के मतलब प्लस करके हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, ये वर्ड भी ध्यान रखना ना। तो एक बार पूछ लेते हैं, इन दोनों को मिला के मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला के कंबाइन करके हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है।
और एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने मास नंबर निकालने का। मास नंबर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये तरीका है हमारे मास नंबर निकालने का। अगर आप लोगों को प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मतलब वैल्यू पता है कितनी है, तो उससे आप मास नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे देखो मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल, कार्बन का केस ले लो। कार्बन में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? 6। तो आप मास नंबर कैसे बता सकते हो? मास नंबर हो गया कार्बन का 12, 6 प्लस 6, इस तरह से। ठीक है, अपना एक टर्म सुनी होगी आप लोगों ने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, आउटर मोस्ट शेल, ये सब क्या होता है? तो देखो आउटर मोस्ट शेल मतलब जो एकदम बाहर वाला शेल है, शेल ये जो सर्कल बने हुए ना, ये शेल्स हैं आपस में। जैसे इस आगे आप पढ़ोगे इसको बोलते हैं के शेल, एल, एम, एन, इस तरह से। आप बस इतना ध्यान रखना, आउटर मोस्ट शेल मतलब एकदम बाहर वाला, आउटर मोस्ट शेल ये हो गया। और उसमें जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या, ये सब क्या हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, पर जो आउटर मोस्ट शेल मतलब जो एकदम बाहर वाली शेल में प्रेजेंट होते हैं ना, उनको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? ये है आउटर मोस्ट शेल, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो होंगे हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब एक बात ध्यान रखना, हर कोई एटम या कोई भी चीज होती है ना, वो हमेशा स्टेबिलिटी चाहती है कि वो स्टेबल हो जाए। अनस्टेबल होगी तो वो स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहेगी। तो केमिस्ट्री में एटम के टर्म्स में क्या होता है, एटम स्टेबल कैसे हो सकते हैं? अपना ऑक्टेट पूरा करके। ऑक्टेट, ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। जब उसके आउटर मोस्ट शेल में मतलब जो बाहर वाला शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं ना, तो एटम स्टेबल हो जाता है। ठीक है, इसमें बस एक एक्सेप्शन है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन होता है ना वो डुप्लेट पूरा करता है। डुप्लेट मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स, डुप्लेट। उसको ना आउटर मोस्ट शेल में उसके दो इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे ना, तब भी वो स्टेबल हो जाएगा। और बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी एटम्स होते हैं ना हमारे पीरियोडिक टेबल में, वो क्या पूरा करते हैं? ऑक्टेट। ऑक्टेट रूल होता है एक, ऑक्टेट मतलब 8। मतलब अगर उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं ना, तो वो स्टेबल हो जाता है। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरा कर सकते हैं? अगर उसके पास 7 है तो वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे, 8 पूरे हो जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करके या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज करके, इस तरह से जो एटम्स है ना वो अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल बताती हूँ, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? है ही ली बे बक नॉफ, 7 नंबर पे आता है हाइड्रोजन। इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखते हो? 2,5। अब देखो इसके मतलब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। तो अब ये क्या कर सकता है? एक टर्म आती है वैलेंसी, वैलेंसी भी यही है कि, अब मैं बताती हूँ आपको वैलेंसी क्या होता है। इसके आउटर मोस्ट में 5 हैं, तो अब ये क्या कर सकता है? या तो ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, या फिर ये अपने मतलब 8 पूरे करने हैं लास्ट वाले में, तो या फिर ये 3 को गेन कर ले। तो इसके लिए क्या आसान होगा? 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान होगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो ये जो 3 होता है ना, ये क्या होता है? वैलेंसी। अगर आप लोगों से पूछे नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, कितनी होती है? 3। मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है या फिर गेन कर रहा है, वो उसकी आती है वैलेंसी। एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। कैसे लिखेंगे? 2,6। अब देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 8 पूरे करने हैं, तो ये कैसे करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन। अब 2 क्या हो गई इसकी? वैलेंसी। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। इस तरह से हम लोग निकालते हैं वैलेंसी। ठीक है, किसी भी एटम का आप निकाल सकते हो कि वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या लूज कर रहा है, इस तरह से। ठीक है, समझ में आया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, वैलेंसी क्या होती है, ऑक्टेट रूल क्या होता है, ये सब चीजें।
अब हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला. आप केमिकल फॉर्मूला कैसे लिख सकते हो? जैसे हम बोलते हैं HCl है, KCl है, NaCl है, वो कैसे बना, क्या तरीका है उसको हम केमिकल फॉर्मूला बनाने का. चलो हम NaCl के एग्जाम्पल से समझते हैं डायरेक्ट. देखो पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग NaCl, सोडियम क्लोराइड. इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं हम लोग? सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है हमारे Na और क्लोरीन का Cl. अब देखो सबसे पहले ना हम लोगों को वैलेंसी लिखनी होती है. वैलेंसी या फिर कह सकते हो चार्ज. Na के ऊपर कितना चार्ज होता है? प्लस का 1. देखो कैसे होता है. Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11. ये आपको मैं साइड में बता देती हूँ, 11. तो इसका कंसिग्रेशन कैसे लिखोगे? 2, 8, 1. अब देखो इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन्स है और हमने क्या बोला कि लास्ट वाले में 8 होने चाहिए. तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज. तो ये 1 क्या होगा, इसकी वैलेंसी या फिर कह सकते हो चार्ज. Na पे क्या होता है? प्लस. क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो इसका कॉन्फिग्रेशन क्या रह जाएगा? 2, 8. तो वो स्टेबल है. ठीक है, तो इसकी वैलेंसी या चार्ज कितना हुआ? 1. प्लस माइनस लिखना जरूरी नहीं, आपको सिर्फ 1 ध्यान रखना है. ठीक है, और प्लस 1 लिख दो. चलो क्लोरीन, क्लोरीन का कैसे लिखोगे? क्लोरीन का कॉन्फिग्रेशन होता है आप लोगों का 2, 8, 7. अब इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन. अब मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव. तो इस पे क्या आ गया? माइनस. तो ये चार्ज कितना हो गया इसका? माइनस का 1. इतना समझ में आया? सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला लिख, फॉर्मूला क्या मतलब किस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं सोडियम, ये क्लोरीन, ये प्लस 1 हो गया, ये माइनस 1. अब हम लोगों को क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसे. देखो Na क्या बन गया? Cl. 1, 1 है. लिखो प्लस माइनस आप लोगों को लिखना नहीं होता, तो क्या बन गया हमारा? NaCl. और पूरा अगर आपको चार्ज के साथ लिखना है तो कैसे क्या होता है, Na पे प्लस और Cl पे माइनस, ये तरीका होता है आप लोगों का लिखने का. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे हमें हाइड्रोजन क्लोराइड का लिखना है, तो हाइड्रोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच से. क्लोराइड यानी क्लोरीन, सी एल. सेम उसी तरह से आप लोगों को चार्ज लिखना होता है. हाइड्रोजन का कितना होता है? प्लस का 1, और क्लोरीन का अभी हमने पिछले वाले में देखा माइनस का 1. तो क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से. तो क्या बन गया? H1Cl1. तो 1 लिखो नहीं लिखो एक ही बात है, तो क्या हो गया? HCl. ठीक है, इस तरह से लिखते हैं. एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे हमें लिखना है कैल्शियम ऑक्साइड का. कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Ca, ये सिंबल होता है इसका, और ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन. तो हम लोगों ने देखा था ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, अभी बताया था ना. इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का? 8. तो कैसे लिखते हैं? 2, 6. ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, गेन करते हैं तो माइनस चार्ज, ये होता है -2. इसी तरह से आप लोग कैल्शियम का देखोगे तो उस पे आता है प्लस का 2. ठीक है, अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई. क्या बन गया? Ca2O2. इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो क्या बनेगा? CaO. ठीक है, कैंसिल हो गया 2, 2, तो क्या बन गया? CaO. ये फॉर्मूला हो गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड का. ऐसे आप सबका लिख सकते हो, बस आपको क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होगा तो आप उसका चार्ज निकाल लोगे कि उसके ऊपर क्या चार्ज है, फिर सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो फॉर्मूला बन के आ जाएगा आपका. तो ये तरीका होता है आप लोगों को केमिकल फॉर्मूला लिखने का. अब एक आप लोगों ने सुना होगा आयनिक बॉन्ड, बॉन्ड होता है ना आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड. तो हम पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है हमारा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से. और कोवलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देखो किस तरह से करते हैं. जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं NaCl का. ये Na है, ये Cl. Na का कंसिग्रेशन क्या होता है? Na का एटॉमिक नंबर होता है 11. तो इसको आप लिखोगे 2, 8, 1. ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, हर एक एटम क्या चाहता है? स्टेबिलिटी. अब इसके आउटर मोस्ट में 1 है, हमें कितने चाहिए? 8. तो ये क्या कर सकता है, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो
इसका कंफिग्रेशन हो जाएगा 2.8, और या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, तो इसके लिए क्या आसान होगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना या फिर 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना? ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज्यादा आसान है, तो ये क्या करेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, लूज इलेक्ट्रॉन, तो इसका कंफिग्रेशन रह गया 2.8, और इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, तो ये बन गया हमारा Na का पॉजिटिव, ठीक है। और दूसरी साइड देखो क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 17, तो इसको लिखते हो आप 2.8.7, ठीक है। अब इसके पास भी वही दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले या फिर ये 7 को लूज कर दे। अब इसके लिए क्या आसान होगा, इसके लिए तो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना ज्यादा आसान है, और मैंने बताया था कि 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन गेन, तो कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव, तो Cl पे आ गया हमारा नेगेटिव। तो क्या हुआ, इसने जो Na ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करा ना, वही जो वो Cl ने एक गेन कर लिया, तो दोनों ने क्या करा, ट्रांसफर कर दिया इलेक्ट्रॉन का, तो हमारा जो बॉन्ड बना या कंपाउंड बना वो बनता है NaCl, Na पे पॉजिटिव Cl पे नेगेटिव, मतलब Na ने सोडियम ने तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन कर लिया, तो हमारा कंपाउंड बनता है जो वो होता है हमारा आयनिक कंपाउंड, या फिर बोल सकते हो आयनिक बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ना इन दोनों के बीच में वो आयनिक होता है। ये कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने से, या तो इलेक्ट्रॉन के गेन करने से, लूज करने से, तब जो बॉन्ड बनता है हमारा वो होता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, आयनिक तो कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, और जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इसमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, देखो किस तरह से ये बनता है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। इसको भी एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम लोग, जैसे ले लो मीथेन का, क्या होता है CH4, अब देखो कैसे बनता है, ये हमने कार्बन ले लिया, ये चारों साइड क्या हो गए हमारे हाइड्रोजन। अब हम लोगों को ये पता है हाइड्रोजन में कितने होते हैं आउटर मोस्ट में, 1, ये एक हाइड्रोजन का इधर, एक इधर, एक और एक, और आप कार्बन का चेक करोगे तो कार्बन में होते हैं 4, इसको क्रॉस से शो कर देती हूँ, 1, 2, 3 और 4। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया था बाकी सबको ना ऑक्टेट पूरा करते हैं, सबको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट में, पर जो हाइड्रोजन है ना वो एक एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो भी वो स्टेबल हो जाएगा, मतलब वो डुप्लेट पूरा करता है। तो देखो इसके पास 4 है, इसको 4 की जरूरत है और इसको 1 की जरूरत है, अगर कार्बन इसको 1 दे दे तो इसका तो पूरा हो जाएगा, फिर कार्बन का नहीं होगा, और अगर ये चारों हाइड्रोजन कार्बन को दे दें तो कार्बन का पूरा हो जाएगा, हाइड्रोजन का नहीं होगा। तो देखो अभी क्या करेंगे, इनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि ये लोग शेयरिंग कर लिया इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि ट्रांसफर करने से एक का पूरा हो रहा है एक का नहीं हो रहा, तो अब ये लोग ना शेयरिंग करेंगे। देखो कैसे, हाइड्रोजन को 2 चाहिए, एक तो इसका खुद का है, एक ही कार्बन के साथ शेयरिंग कर लेगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन भी यूज कर रहा है और हाइड्रोजन भी यूज कर रहा है, देखो इस तरह से, तो शेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, दोनों यूज कर रहे हैं, इसका 2 पूरा हो गया इस तरह से, ये हाइड्रोजन ने भी शेयरिंग कर ली, इसने भी कर ली और इसने भी कर ली, ठीक है, हाइड्रोजन का पूरा हो गया, कार्बन को 4 की और जरूरत थी, देखो 1, 2, 3, 4 और 4 ये हाइड्रोजन की शेयर कर लेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ताकि कार्बन का भी पूरा हो जाए, ये ऐसे समझे, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं हुआ पर शेयरिंग कर ली, कि वही जो सेम इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन भी यूज कर रहा है और कार्बन भी यूज कर रहा है, ताकि दोनों का फायदा हो गया, दोनों का मतलब ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका इसका डुप्लेट पूरा हो गया, दोनों स्टेबल हो गए। तो इस तरीके से जो हमारा बॉन्ड बनता है ना वो होता है कोवलेंट बॉन्ड, ये कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और जो हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा ना वो बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को, कोवलेंट कैसे बनता है और आयनिक कैसे बनता है। कुछ भी डाउट हो आप लोगों को, कुछ भी नहीं समझ में आया, पूछना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं ना आप लोगों को 3 मतलब उसमें टर्म्स में डिफरेंस बताऊंगी कि आइसोटॉप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो आइसोटोप्स
लेते हैं हम लोग आइसो बार्स और आइसो टोन्स, तीनों में हम एक एक करके डिफरेंस देखते हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आइसोटॉप कौन सा था, आइसो बार कौन सा था। इसको मैं आपको समझाती हूँ, आप कभी नहीं भूलोगे इसमें डिफरेंस क्या था। देखो सबसे पहले तो समझो आइसो का मतलब क्या होता है। आइसो आइसो मीन्स सेम, मतलब एक जैसा। आइसो मतलब सेम, और टॉप टॉप का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। कोई भी कंपाउंड जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम होगा पर डिफरेंट क्या होगा, मास नंबर। ठीक है, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होगा मास नंबर डिफरेंट होगा, वो तो हो गया हमारे आइसोटॉप। देखो जैसे एग्जांपल ले लो हाइड्रोजन का, हम लोगों को इतना पता, लेफ्ट साइड में नीचे क्या लिखते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखते हैं मास नंबर। तो आइसोटॉप मतलब मास नंबर डिफरेंट। जैसे ये हाइड्रोजन के ना तीन आइसोटॉप्स होते हैं, समझाती हूँ मैं आप लोगों को। अब देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, वन वन वन, नीचे हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर। तो इन तीनों हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो सेम है, देखो और इसका मास वन है, इसका टू, इसका थ्री, मतलब मास नंबर तीनों के अलग अलग हैं। तो ये क्या होगा हमारे आइसोटॉप। तो हाइड्रोजन जो एटम होता है हमारा, उसके तीन आइसोटॉप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। तीन आइसोटॉप होते हैं हमारे इसके हाइड्रोजन के। ऐसे कार्बन के भी होते हैं, कार्बन का होता है C12, C13, C14, इस तरह से। ठीक है, ये होते हैं हमारे आइसोटॉप्स। अब हम लोग समझते हैं कि आइसो बार क्या होता है। सेम वही, देखो आइसो का मतलब तो क्या हो गया, सेम। और जो आइसोटॉप और आइसोबार होते हैं ना, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एकदम उल्टे होते हैं। इसमें एटॉमिक नंबर सेम था, मास नंबर डिफरेंट था। अब इसमें क्या हो जाएगा, मास नंबर सेम हो जाएगा, सेम मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मास नंबर किसमें सेम था किसमें अलग था। तो आपको एक ट्रिक बताती हूँ, देखो बार, बार से आप ध्यान रख सकते हो, भार, सिमिलर साउंड कर रहा है या पता लग जाएगा। बार मतलब भार, भार क्या है, आइसो, आइसो का मतलब सेम, मतलब सेम भार होगा, मतलब सेम मास नंबर होगा। समझ में आया, आइसो बार मतलब आइसो भार, सेम मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इस तरह से याद कर सकते हो आप लोग। या अपने कोई ट्रिक बनाना चाहो तो वैसे भी बना सकते हो, बाकी आपको इस तरह से ध्यान रहेगा, मास नंबर तो सेम था आइसो बार में और एटॉमिक नंबर सेम था आइसो टॉप में। देखो इसका एग्जांपल देखो, जैसे एक है हमने पोटेशियम, एक है कैल्शियम। पोटेशियम का जो मास नंबर होता है वो होता है 40, और कैल्शियम का भी होता है 40, पर इसका जो एटॉमिक नंबर है वो अलग अलग है, इसका 19 और इसका 20। ठीक है, ये हो गए हमारे आइसो बार। अब देखते हैं हम लोग आइसो टोन। आइसो का मतलब तो वही सेम, और टोन्स का मतलब न्यूट्रॉन्स, मतलब इसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, जैसे हमने ले लिया सोडियम का और मैग्नीशियम का, इसका मास नंबर होता है 23, इसका 24, एटॉमिक नंबर 11 और 12। अगर आप इसमें मतलब न्यूट्रॉन्स का नंबर चेक करोगे तो दोनों में सेम आएगा। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हो आप लोग, फॉर्मूला बताया था ना, मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो आप लोगों को मास नंबर पता है इसका 23, प्रोटॉन्स मतलब जितना एटॉमिक नंबर है इसका 11 और इसका 12, और न्यूट्रॉन्स आप निकाल सकते हो, तो दोनों में सेम आएगा। तो आइसोटोन तो हो गया सेम नंबर के न्यूट्रॉन्स, और आइसो बार क्या हो गया, मास नंबर सेम, टोप क्या हो गया, एटॉमिक नंबर सेम। ठीक है, तो आज तो हम इतना ही कवर करते हैं। अगर आपको आज वाले सेशन में कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो केमिस्ट्री का, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, तो मैं आप लोगों को डाउट क्लियर कर दूंगी। और बाकी आपको कोई पर्सनली भी कोई टॉपिक समझना हो केमिस्ट्री का, 10th 11th 12th कोई भी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसी का वीडियो अपलोड कर दूंगी नेक्स्ट। ठीक है, ऐसे ही हम और वीडियोज भी लाते रहेंगे। अगर हमारा चैनल आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, और लाइक करना सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।